सदर अंजुमन ताजरान, पीटीआई पंजाब और इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चरल फेडरेशन के सदर मियां जावेद अली साहब का कोरोना वायरस के हवाले से अहम पैगाम, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और मेरी दुआ है कि ये चैनल जो है जिंदगी राजूगी तरक्की करे, और उसके साथ साथ आज जो हमारा इस हवाले से मैं जो मैसेज जो दे रहा हूँ पूरी कौम को, कराची से लेकर खैबर तक, कोरोना वायरस जो कि एक नागहानी आफत जिसे हम कह सकते हैं, और जिस पर इस वक्त दुनिया की जो सुपर ताकतें हैं वो भी इसे कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। दिन रात वो इस कोशिश में है कि इस पर काबू पाया जा सके, तो उसी तरह इस पाकिस्तान पर भी इसने हमला किया है, पाकिस्तान के भी इतने असरात आ चुके हैं। इसमें अब तक जो 250-300 जो हमारे भाई हैं वो इस पूरी मर्ज में मुबतला हो चुके हैं। तो मेरी तमाम पूरी कौम से ये गुजारिश है, आप सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ना देखें, आप सिर्फ और सिर्फ सूबे के चीफ को ना देखें, आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर को ना देखें। इसमें सबसे पहले जो बड़ा किरदार है, जो बड़ी मेडिसिन है, वो आपके पास है, आप खुद हैं कि जैसा कि हदायत बार बार आपको मिल रही है, इसमें हाथ जो है वो दिन में 2-4-5-6-8-10 दफा जो है वो आप बार बार धोएं, और उसके साथ साथ जैसे खांसी हो, नजला हो, जुकाम हो, उससे आप जो है बकायदा उसका मुंह को ढांपें। उसके साथ साथ मजीद ये है कि 10-15 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ताकि एक अगर खुदा खासा उसमें से किसी एक पर भी है तो फौरी तौर पर वो आगे चले जाएगा। इसकी आज की मिसाल लाहौर की है, यहाँ पर कैफे लातों में 25-30 फैमिली जो के लोग इकट्ठे हुए थे, अभी तक अफवाह ही अल्लाह करे अफवाह हो, लेकिन सुनने में यही आया कि एक खतून जो कि अमेरिका से आई थी, उन्होंने अपने सारे जो अजीजों का अरब है उनको बुलाया वहाँ पर खाने में, तो उसके बाद ये खबर चल रही है सोशल मीडिया पर कि उन तमाम को जो है उनके कोरोना वायरस हो गया है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात जो है वो एहतियात की है। इसमें आप जहां पर हैं, जिस गली में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिस बाजार में हैं, जिस टाउन में हैं, वहां पर इसको जो है आप खुद एहतियात करें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से ग्रेज करें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो है इलाज से ज्यादा बेहतर जो है वो परहेज है, परहेज किया जाए इससे ताकि इस मूवी पर से बचा जा सके। अब पाकिस्तान की जो मईशत है पूरी दुनिया से छुपी नहीं हुई है, उस हवाले से हमारे खुदान इमरान खान साहब रहमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इकदाम ये किया है कि पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू नहीं लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 25% से ज्यादा लोग हैं वो डेली वेजिस पर काम करते हैं, वो हमारे मजदूर भाई हैं। तो उस हवाले से जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ऐसे उनको ज्यादा बंद किया गया है, जहां पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से जरूरी जिसने जाना है वो जाए, मोस्टली इस वक्त जब तक ये स्मूदी बस पर काबू नहीं पाया जाता, मेरी ये दरख्वास्त होगी मैक्सिमम आप अपने घरों में मुकीम रहें, बहुत जरूरी जो मामलात हैं उसके लिए आप जरूर अपना सौदा सलम लेने के लिए या जरूरी काम के लिए जाए, जो हमारे मजदूर भाई हैं उन्हें मजदूरी करनी है उन्होंने जाना है वो बिल्कुल अपनी मजदूरी के लिए जाए, लेकिन गैर जरूरी ट्रैवल जो है वो ना किया जाए। इसके लिए खसूसी तौर पर जो आपकी गजा है वो भी बिल्कुल लाइट खाएं, इसमें खसूसी तौर पर खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो खाएं, और विटामिन सी ज,
जिस जिस इजलास में शामिल है उसका ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि अल्लाह ताला आप पर रहम करे, गर्म करे तमाम पूरी कौम पर, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बैठ गई है। सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका अफेक्टेड है, चाइना इस पर अफेक्टेड है, पूरा यूरोप इसकी जद में आया हुआ है। तो अल्लाह ताला इस पूरी बस से बचाए, ये जो नागरानी आफत है इसमें खसूस जैसा कि आज हमारे पापा फौजी आई एस पी आर के जो कई जनरल है उन्होंने बकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी है और बकायदा तौर पर ऑफर्स की है। वो ऑफर्स ऐसी है जिस तरह के इससे पहले जब सैलाब आते थे उस वक्त भी पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा करती थी, जलजिले आए तो उसमें भी भरपूर किरदार अदा किया। उसके बाद इवन के साबका दौर में गोस्ट स्कूल ढूंढने के लिए भी फौज ने अपना किरदार अदा किया था, यहाँ तक के इवन के कई जगह पर पोलियो के कचरे पिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा किया है। तो अब भी भरपूर तौर पर पाक फौज जो है वो भरपूर तैयार खड़ी है और मैं समझता हूँ इस जज्बे को देखते हुए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। काफी हो गया इनके लिए 47 न्यूज बाबर भट्टा साहब ने बड़ा अच्छा चैनल लॉन्च किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद और अजीज भट्टी टाउन के सदर चौधरी तनवीर साहब और श्याम चौधरी साहब ने भी इजहार ख्याल किया।